प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप भी तैयार होंगे अपनी कॉपी पेंसिल के साथ, तो फटाफट आइए करते हैं क्वेश्चन, और साथ के साथ आप करेंगे फटाफट शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या और उसके घन का योग 10 है, तो संख्या का मान क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान है ऑप्शन से करने। ऑप्शन लेते हैं, एक है, एक और एक का घन क्या है? तो बताइए एक का घन क्या है? एक का घन एक ही होता है, तो एक और एक तो 10 नहीं बन रहे। दो का घन क्या होता है? 8। 2 और 8 10 हो गए, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, up to 9 के क्यूब, 1 क्यूब + 2 क्यूब, 9 के क्यूब तक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फटाफट ज्ञात करते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला। जब भी n तक क्यूब हो तो फॉर्मूला है हमारा n n+1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप हमारी लेक्चरों में इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि जब भी इस तरह से हो, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और कहाँ तक, किसी एक नंबर एन तक की क्यूब हो, एक से स्टार्ट हो और इस तरह से क्यूब हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, 9 9 और 1 1 जोड़ गए 10/2 इसका होल स्क्वायर। ये कट गया 5 बार, 9 5 45। अच्छा, 45 का स्क्वायर क्या होता है? तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना? 25, और 4 से अगली गुणा कर देंगे, 4 5 20। ये जिसके भी लास्ट में 5 आया है उसका स्क्वायर निकालने का शॉर्ट मेथड है। तो ऑप्शन एक हमारा क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया। किसी भी संख्या जिसके पीछे 5 आया है, जब उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 5 5 25, और 3 से अगले नंबर 4 से गुणा कर देते हैं, 3 चौक 12। ठीक है, इस तरह से 5 वाले स्क्वायर करते हैं। तो चीज़ें समझ में आई होंगी। फिलहाल आप ये चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ये फॉर्मूला नोट कर लोगे जो आपको याद करना है। याद होना ही चाहिए काम, तभी ये चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने हैं ये? हमेशा ये क्वेश्चन लास्ट से करने हैं आपको। कहाँ से? अंत से, बिल्कुल। जैसे यहाँ से पढ़ना है आपको, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब ये बटे में है ना, तो ये पलट जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट के ऊपर क्या हो जाएगी? ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे 1/3/2 लिखा है तो क्या होगा? ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, अगर 1 के बटे में है मुख्यतः, है ना। तो इस तरह से ये पलट जाएगा तो 5 यहीं रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 दूनी 6, और नीचे तो हमारा 5 है ही। अब क्या करेंगे, आगे क्या लिखा? 1 5 1 5 और 6 कितना हो गया? 11/5। अब ये 11/5 फिर पलट जाएगा, पलट के 5 ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10, और 11 नीचे रह जाएगा। तो 11 1 11 और 10 21, तो 21/11 यही आंसर हो गया। तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको चीज़ें करनी है, तभी आसानी से हो पाएंगी। फिर से समझ लो बच्चे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो ये 2 चला गया ऊपर, गुणा 2 3 दूनी कितना हो गया? 6। 5 तो नीचे रह गया, अब 5 एकम 5 और 6 11/5। अब ये 5 ऊपर चला गया है ना, 5 2 गुणा 5 10। अब 11 एकम 11 और 10 21, 21/11 इस तरह से आंसर था। आपको समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं, 14 42 और 84 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ज्ञात करने के तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, आप फिर से देख लीजिए। 14 42 और 84 हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, जब तक कॉमन काटते रहो जब तक तीनों चीज़ें ना कटें, क्योंकि हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे पहले आपने 2 से काटी चीज़ें है ना, 2 से ये 7 बार, ये 21 बार और ये 42 बार। अब किससे कटेंगे? 7 से, तीनों कटने चाहिए, 7 एकम 7, ये 3 और ये 6। अब किससे कटेगा? किसी से नहीं,
तीनों तो नहीं कटेंगी ना, तो 7 × 2 = 14, 2 × 7 यानी कि 14, यही आंसर होगा। फिर भी आपके ऑप्शन है तो आप बड़ी संख्या उठा लेंगे और ऑप्शन से इस तरह से कर सकते हैं, जैसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 14, 14 से देखो सभी कट रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर उससे छोटी से ऑप्शन से करेंगे। ये ऑप्शन के तरीके हैं, तो ऑप्शन के तरीके भी नेग्लेक्ट नहीं करने हैं, वो भी हमको सीखते चलने हैं ना, ऐसे नहीं कि अर्जुन पहुंच गया लड़ने तो बस उस पर एक ही चीज़ चलानी आती है, उसी से युद्ध जीत लेगा। युद्ध जीतना है तो एक से अधिक चीज़ें आनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको आता ही अच्छे से है ना, ये क्या है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.32, है ना, ये हो जाएगा। आप जोड़ लेंगे 5, 7, 12, 2 × 1 = 3 और 2, ये हो गया, और दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.22, बटे में 0.22 है, ये कट जाएगा, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वन। ये चीज़ें आप एक सेकंड में कर पाओगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, इतने ही देर के क्वेश्चन है ये, 1 से 2 सेकंड के। आपको पता लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने माइनस देखा बस कि 27 से 5 माइनस होने पर 22 बच रहे हैं, तो ये तो कट गया, बाकी प्लस बचा, प्लस वाला जो भी होगा वो आंसर होगा। कब करोगे ऐसे क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ऐसे ही लेके फोन को ना बैठे रहें, या जिसमें भी आप देख रहे हैं कि बस हाँ देख रहे हैं सीख रहे हैं, याद थोड़ी ना करना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं, यदि P का 80% Q का 2/5 है बराबर 2, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो मैंने बताया परसेंट जब भी लिखा हो तो का किसी का गुणा लगाएंगे और परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे 100, बराबर Q इंटू 2/5। अब ये कट रहा है ना, 0 से 0 कट गए, 2 × 4 और 2 × 5, ठीक है, इस 5 से ये 5 कट गया, आमने सामने यदि बराबर के इधर हो तो आमने सामने कट जाते हैं। अब यहाँ से Q बटे में आ जाएगा P बटे Q, और 2 और 4 ये भी कट जाएगा, कितना 1, 2, तो P अनुपात Q क्या होगा पता लग गया आपको, ये सिर्फ हम लिख रहे हैं, पर लिखना नहीं होता, वहीं पर टिक कर देनी होती है, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा करो, लिखा कोई नहीं देखेगा, जहाँ से आंसर की पता लगे वहीं से आंसर टिक कर दें और आगे बढ़ जाए इस तरह से। नेक्स्ट है, राहुल और मोहित की वार्षिक आय 17:12 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें से प्रत्येक 9,000 रुपये की वार्षिक बचत करता हो तो मोहित की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, क्या होगी वार्षिक आय। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको इक्वेशन बना के ही करने होंगे, जैसे यहाँ हमने पॉइंट मान लिया P और यहाँ पॉइंट मान लिया Q, ठीक है, तो कैसे करोगे आप, हम फिर से देखते हैं, देखो सीखेंगे फटाफट किस तरह से इक्वेशन, क्योंकि ये भी सॉल्व करनी आनी चाहिए ना, 17P, ये मोहित, ये राहुल की आय है और राहुल का व्यय कितना है -5 Q, कितने रुपए बचाता है ये 9,000। दूसरा मोहित 12 कमाता है 12P और खर्च कितने करता है 3 Q, ये भी बचाता है 9,000 रुपये। अब कोई एक वैल्यू निकालनी है, उसने हमसे आय पूछी है, तो ये जो आय वाले यानी पी वाली पॉइंट निकाल लेते हैं, तो P पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें Q बराबर करेंगे, 5 और 3 कहाँ बराबर होंगे 15 पर, यानी इसमें तो गुणा होगी 3 की और इसमें गुणा होगी 5 की। अब एक में से कोई एक घटा लेंगे, ये देखें 17 × 51, ये तो 51P हो गया, ये 15 Q होना ही है और ये 9 × 27, ठीक है, ऐसे ही 5 की इसमें करेंगे तो ये 60P -15 Q और ये 45, है ना। अब इसमें से इसे घटा दीजिए, बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं, 60 से 51, 60 से 51 गए तो 9 Q, और ये दोनों तो बराबर थे कट गए, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 45 से 27 गए 18, सॉरी पी है ये पी, तो 18,000, तो पी बराबर कितना हो गया 2,000। अब पूछा क्या है हमसे, मोहित की आय, मोहित की आय यानी कि 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट कितने हुए, 12 में 2000 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,000, यानी ऑप्शन एक।
राहुल की पूछी होती तो 17 में गुणा कर देते। तो इस तरह से आप करेंगे। अब ऐसे में ध्यान रखना है पूछी किसकी है। कई बार हमारी कलम सीधी चलती है पहले नंबर पर, यहाँ मोहित दिया है, मोहित कहाँ दिया है, दूसरे नंबर पर। तो ऐसे नहीं 17 में गुणा कर दो, क्योंकि ऑप्शन में 34,000 भी दिया है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल वही काम है यहाँ पर। जैसी सावधानी हटेगी आपको ध्यान देना है मोहित पूछा है तो मोहित बताना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों के आंसर दिए हैं, तो इसलिए सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये हैं, यानी उसका औसत 49 रुपये है। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ जुड़ता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो 55.5 कितने रुपये अधिक लिया है, ये 49 से 55.5 यानी कि 6.5 इतने रुपये अधिक लिया है। 12 व्यक्ति थे, अब कितनों में बटेंगे, ये जो फालतू रुपये हैं ये फालतू रुपये 13 लोगों में बटेंगे, यानी कि 13×65.5 0.5 सब में और जुड़ जाएगा, किस में, पुराने में। तो हो गया हमारा 49.5, यही हो गया आंसर। चीज़ें समझ में आई, समझ लेते हैं फिर से हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। बच्चों एक तरीका तो योग का है। योग का तरीका क्या है कि योग हमारा कैसे निकलता है, 49 × 12। अब 12 निम्मा 108 और 12 चौक 48 और 10 58। ये हो गया योग कितनों का, 12 का। अब इसमें एक आदमी और जुड़ेगा, प्लस एक आदमी और जुड़ेगा, और वो उसका कितना है, 55.5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये 0.5 हो गए, 5×8 13 × 14 और 5×6 ये हो गया। ये कितने का हो गया, 13 व्यक्तियों का। तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत होगा, भाग हो जाएगी इसमें 643.5 में 13 की, 13×52 बचे कितने, 12, 13×97 13×8 4 13×9 117। तो ये तो 123 थे, तो 13×9 117 बचे कितने, 6×5 13×65 ये आ गया, वही आंसर आ गया। अब दोनों से आंसर वही आया है, एक तो योग का तरीका किया कि हमने योग निकाला जो आदमी नया जुड़ा, पहले क्या किया हमने बच्चों, योग निकाला जो आदमी नया जुड़ा वो जोड़ा, टोटल जोड़ हो गया इतना, ये हो गया कुल योग कितनों का, 13 का कुल योग है ना, 13 का। अब इसका औसत कैसे निकाला, इसमें 13 से भाग कर का, एक तो सिंपल तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे ही कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो हम देखते हैं वो एक्स्ट्रा लाया है या कम है। अगर वो एक्स्ट्रा है तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो जितने भी अब टोटल है उससे भाग करके वो ऐड कर देते हैं, अगर वो कम है तो जितने भी अब टोटल है उससे भाग करके उसको घटा देते हैं। नया आया व्यक्ति अगर इसके रुपए कम होते तो जितने कम होते उतने को 13 से भाग करके और घटा देते, और अधिक है तो अधिक में भाग करके जोड़ देते हैं। इस तरह से भी करेंगे चीज़ें, सारे क्वेश्चन होंगे। आगे आते हैं। अच्छा तो यही क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए, इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और पुरानी वीडियो देख लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए, जो हमने डिटेल वीडियो दिए हैं, कंटेंट वीडियो, और दबा के शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।